Bismillah Rahman Rahim. In last lecture, I discussed about the labeling, different times used in labeling like backside reading, foreside reading, intermediate side reading, benchmark, etc. Instruments used in labeling, or type classification of labeling, and different methods used to find the reduced level. There are two methods, height of instrument method and rise and fall method. In previous lecture, I already discussed about the height of instrument method. Now today I proceed further with rise and fall method with the help of example. This is example. The following staff readings were observed successively with the level. The instrument is moved by third, sixth and eighth readings. These are the readings. Enter the reading in the record book and calculate the reduced level. If the first reading was taken at a benchmark of 432.383. So first reduced level is given and these readings are given. So usne aapko ye bata diya ki aapka third, sixth or eighth reading pe aapka instrument shift hoga. So ye aapke change points hain. Last time aapko in sab readings ko aapne level book pe likhna hai. Aur wo kaise likhna hai, last time bhi discuss kiya tha. कि आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो ऑलवेज बैक इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो आप फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वो आप अपने बेंचमार्क के ऊपर लेते हैं और वो आपकी ऑलवेज बैक साइड रीडिंग होती है. सेकंड रीडिंग जो आपकी होती है वो इंटरमीडिएट साइड, थर्ड भी इंटरमीडिएट साइड हो सकती है. जो फर्स्ट होती है वो बैक साइड होती है, जो लास्ट होती है विद दिस इंस्ट्रूमेंट विद दिस पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो आपकी फोर साइड रीडिंग होती है. और दरमियान में जितनी रीडिंग्स आएंगी वो आपकी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग आएगी. और जब आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद आपकी जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की पॉइंट होता है उसके साथ वो जो उसकी लास्ट रीडिंग होती है वो फोर साइड होती है. और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद वो जो इसकी फोर साइड रीडिंग होती है वो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नया शिफ्ट किया उसके साथ उसकी रीडिंग बैक साइड रीडिंग होती है. इसी तरह आपने अपने इन पॉइंट्स में लिखना है. उसने थर्ड पॉइंट का आपका चेंज पॉइंट है, सिक्स पॉइंट आपका चेंज पॉइंट है और एट पॉइंट आपका चेंज पॉइंट है. सो फर्स्ट आपका चेंज पॉइंट है तो आपकी फर्स्ट रीडिंग आपकी बैक साइड है और थर्ड आपका चेंज पॉइंट है. सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ पॉइंट के साथ आपकी जो थर्ड रीडिंग होगी वो फोर साइड होगी. और थर्ड पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा तो थर्ड पे जो आपकी क्वेश्चन में फोर्थ रीडिंग है वो थर्ड पॉइंट के साथ आपकी चेंज पॉइंट के साथ वो आपकी बैक साइड रीडिंग होगी. इस तरह आपने ये अपनी तीन कॉलम्स जो हैं वो अपने रिकॉर्ड बुक में अपनी रीडिंग्स लिखनी है. लास्ट टाइम पे इसको हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालना है, रिड्यूस लेवल कैसे निकालना है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. आज हम जो मेथड कहेंगे वो हम कहेंगे राइज एंड फॉल मेथड. राइज एंड फॉल मेथड में भी सेम प्रोसीजर है, बैक साइड रीडिंग लिखने का, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग लिखने का और फोर साइड रीडिंग लिखने का. ये सेम वैल्यूज हैं जो हमने क्वेश्चन में की थी और ये थर्ड पॉइंट और सिक्स पॉइंट और एट पॉइंट आपका चेंज पॉइंट है. अब ये कॉलम्स इसमें ऐड हुए हैं. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका खत्म हो गया, इसमें से इसमें आपका राइज एंड फॉल का कॉलम ऐड हो गया है. फर्स्ट रिड्यूस लेवल आपको गिवन है जिसको हमने बेंच मार्क के ऊपर दिया था. राइज का मतलब ये होता है प्लस, पॉजिटिव में आपकी वैल्यूज जाएंगी तो पॉजिटिव में आंसर आएगा तो हम राइज में लिखेंगे. नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो आप हमेशा फॉल में लिखेंगे. सो फर्स्ट आपकी बैक साइड रीडिंग में से हम इंटरमीडिएट साइड रीडिंग को माइनस करेंगे. जो आपके पास आंसर आएगा अगर वो आपका पॉजिटिव में आया है तो हम उसको राइज में लिखेंगे, नेगेटिव में आया तो हम उसको फॉल में लिखेंगे. जैसे आपके पास फर्स्ट रीडिंग है 2.228 माइनस इंटरमीडिएट साइड रीडिंग 1.606, आंसर इज 0.622. पॉजिटिव है सो हम इधर इसमें राइज में लिखेंगे. तो इसके बाद हम सेकंड जो वैल्यू आएगी वो हम इंटरमीडिएट साइड में से, जो अगर इंटरमीडिएट साइड और होती तो उसमें से वो माइनस करते हैं, बट इधर हमारी फोर साइड है तो हम इसमें से फोर साइड माइनस करेंगे. फोर साइड माइनस करेंगे वो कैसे करेंगे, 1.606 माइनस 0.988, आंसर इज 0.618.
ये भी आपका पॉजिटिव है, सो हम इसको भी राइज में लिखेंगे. नेक्स्ट, अब हम आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, सो इधर आपकी बैक साइड रीडिंग आ गई. तो दोबारा हम बैक साइड रीडिंग में से इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस करेंगे. 2.090 माइनस 2.864, आंसर इज माइनस 0.774. सो ये माइनस में वैल्यू है, ये तो इसको हम फिर फाल में लिखेंगे. और देन 2.864 माइनस 1.262, आंसर इज 1.602. ये आपका पॉजिटिव में है तो इसको हम राइज में लिखेंगे. इसी तरह नेक्स्ट दोबारा आपकी चेंज पॉइंट आ गया, बैक साइड रीडिंग आ गई, तो इसमें से भी हम ये जो आपकी इंटरमीडिएट साइड होगी तो इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे, यहाँ फोर साइड होगी तो फोर साइड माइनस करेंगे. तो 0.602 माइनस 1.982 इज इक्वल टू माइनस 1.376, और वो आपका नेगेटिव है तो हम इसको फाल में लिखेंगे. इसी तरह ये पूरा हमने एक कॉलम लिख लिया, जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है वो हमने राइज में लिख दी, जो आपकी नेगेटिव में है वो हमने फाल में लिख दी. अब हमने रिड्यूस लेवल फाइंड करने इन पॉइंट्स के. रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट रिड्यूस लेवल आपके पास गिवन है 432.384 प्लस ये राइज है, तो आपका ऑब्वियसली राइज के साथ प्लस है, तो हम इसमें प्लस करेंगे प्लस 0.622, आंसर इज 433.006. नेक्स्ट रिड्यूस लेवल कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट वैल्यू इसमें से इसमें प्लस करेंगे क्योंकि आपकी राइज में वैल्यू आई है. 433.006 प्लस 0.618, आंसर इज 433.624. नेक्स्ट वैल्यू आपकी फाल में है, सो इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस 0.774, आंसर इज 432.850. उसके बाद ये इसमें से हम फिर नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी आई है वो राइज में आई, इसमें ये वैल्यू प्लस करेंगे प्लस 1.602, आंसर इज 434.452. और नेक्स्ट वैल्यू आपकी माइनस फाल में आई तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आएगा, और इसमें से ये अगली वैल्यू भी माइनस करेंगे, ये फाल में है तो आपके पास ये आंसर आएगा. तो बेसिकली ये आपका इधर से आपके पास सारे रिड्यूस लेवल्स आ जाएंगे. इसके बाद हम इसके चेक्स लगाएंगे. इसके दो चेक्स हैं. फर्स्ट चेक्स क्या है? सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग. सम ऑफ बैक साइड रीडिंग इन सबको प्लस करेंगे तो इसका सम आ जाएगा, इन सबका प्लस सम आएगा 5.964, और सम ऑफ फोर साइड रीडिंग्स इन सबका सम करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा. इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.052. नेक्स्ट जो इसको इक्वल करना है, हमने माइनस 0.952 आंसर है, इसको भी हमने इक्वल लास्ट रीडिंग रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल. सो लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल 431.432 माइनस 432.384 इज इक्वल टू माइनस 9.52. ये भी आपका सेम, ये दोनों सेम आए, सो आपका चेक इक्वल हो गया. इसके अलावा इसके एक चेक और भी है, इसको हम इक्वल करते हैं सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल. इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो वो भी वैल्यू आपकी अगर सेम आए तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद द डंपी लेवल एंड 4 मीटर लेवल स्टाफ. द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड सिक्स्थ रीडिंग्स. द रीडिंग्स आर दीज आर द रीडिंग्स. एंटर द अबव रीडिंग्स इन द पेज ऑफ लेवल बुक एंड कैलकुलेट रिड्यूस लेवल. In, if the first reading was taken with the staff held on benchmark of 240 meters, use rise and fall method and apply the arithmetic checks. First reduced level aapke paas given hai aur aapka instrument aapne shift karna hai third pe and sixth pe. These are your change points aur then aapne apne readings ko likhna hai, ye aapki readings hai. So pehle aap level book ki apni readings likhenge. First column aapka stations ka hua.
second column backside readings, then intermediate side readings, then foreside readings, or then आपका rise or fall, or then reduce level or benchmark. First reading जो आप किया है, first आपका benchmark पे reduce level आपके पास given है 240, और first reading जो होगी आपकी हमेशा वो आपकी होगी backside reading. Third तक आपका instrument shift होना है, so this is your backside reading, this is your intermediate side reading, this is your foreside reading. थर्ड पॉइंट पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा, सो थर्ड रीडिंग के बाद जो रीडिंग आएगी 1.855 वो आपकी बैक साइड रीडिंग होगी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपका शिफ्ट हो गया. देन आपका सिक्स पॉइंट पे आएगा, देखिए फर्स्ट रीडिंग आपकी बैक साइड, सेकंड इंटरमीडिएट साइड, थर्ड आपकी फोर्थ साइड, थर्ड पे आपका चेनेज पॉइंट है, सो आपकी जो फोर्थ रीडिंग आपके पास गिवन है वो आपकी बैक साइड रीडिंग होगी, और फिफ्थ रीडिंग आपकी इंटरमीडिएट साइड, और सिक्स रीडिंग आपकी फोर्थ साइड रीडिंग. सिक्स पे फिर आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया तो आपकी सेवन्थ रीडिंग जो होगी वो बैक साइड होगी, फिर देन जितनी वैल्यूज है वो आपकी एट्थ रीडिंग आपकी इंटरमीडिएट साइड होगा, लास्ट रीडिंग आपकी फोर्थ साइड रीडिंग होगी. सेम वही प्रोसीजर है, बैक साइड रीडिंग में से हम इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस करेंगे, अगर वैल्यू आपकी माइनस में आएगी तो हम फाल के कॉलम में लिखेंगे, अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी तो हम राइज के कॉलम में लिखेंगे. ये देखिए 2.665 माइनस 3.225, द आंसर इज माइनस 0.56, सो आंसर माइनस में है तो हम इसको फाल में लिखेंगे. इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस फोर साइड रीडिंग, आंसर इज पॉजिटिव 0.32, ये तो हम इसको राइज में लिखेंगे. तो ये फिर आपका यहाँ पे चेनेज पॉइंट है, सो बैक साइड रीडिंग में से फिर हम इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव में आया तो हम इसको राइज में लिखेंगे. सेम प्रोसीजर ऐसे करने के बाद फिर हम रिड्यूस लेवल्स निकालेंगे, फर्स्ट रिड्यूस लेवल में से फर्स्ट वैल्यू आपकी फाल में है तो माइनस करेंगे, अगर आपकी राइज में है तो ये 240 माइनस 0.56 239.44. अब नेक्स्ट रीडिंग आपकी पॉजिटिव है तो इसमें ये रीडिंग हम ऐड करेंगे, जो आपकी राइज में रीडिंग्स हैं वो आपने ऐड करके लिखनी है, जो आपकी फॉल में वो आपने माइनस करके लिखनी है. एंड पे आपका जो चेक है वो आपका चेक होता है सम ऑफ बैक साइड रीडिंग्स माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग्स. सम ऑफ बैक साइड रीडिंग्स इज इक्वल टू 6.1, सम ऑफ फोर साइड रीडिंग इज इक्वल टू 5.95. इन दोनों 6.1 माइनस 5.95 इज इक्वल टू 0.15. सेकेंड सम इज सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल. Sum of rise is equal to 2.35 and sum of fall is equal to 2.2. दोनों को minus करेंगे तो 0.155. और फिर last check आपका है last reduce level minus first reduce level is equal to 0.15. तीनों same है, so your question is accurate and checked. तो इसी question को height of instrument method से किया. Height of instrument method में वो ही same procedure है आपका कि आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड्स में आपने वही रिड्यूस लेवल में बैक साइड रीडिंग को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा 240 प्लस 2.665 इज इक्वल टू 242.665. देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपने इंटरमीडिएट साइड रीडिंग या फोर साइड रीडिंग जो भी आपके पास गिवन होगी उसको माइनस करना है, 242.665 माइनस 3.225 इज इक्वल टू जो आपके पास आएगा वो आपका रिड्यूस लेवल आएगा 239.44. देन वही आपने फिर इसको नेक्स्ट आया प्रोसीजर करना जैसे लास्ट टाइम बताया था, इसका फिर हमने चेक करना है सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग इज इक्वल टू 0.15 और लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू 0.15. ये सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया, सो वी प्रोसीड फर्दर. दिस इज द एग्जांपल. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन विद द डंपी लेवल एंड 4 मीटर लेवल स्टाफ. द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द फोर्थ एंड सेवंथ रीडिंग. द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन अ बेंचमार्क और हुज रिड्यूस लेवल इज 15.575. Prepare a page of a level book and calculate the reduced level of all the points. The observations were taken at every 30 meter interval.
Also find the gradient between the first and last point. Also draw the profile of the ground. Use height of instrument method. Observations are, these are your readings. आपका ये readings given है. आपका जो change point है वो fourth point and seventh point है. और first reduced level आपको given है और जो इन stations के दरमियान interval है वो 30 meter का interval है. So, सबसे पहले हमने अपनी readings को लिखना है इसके ऊपर. Readings को लिखना है और ये आपके पास readings हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 readings हैं आपके station है और इस stations का जो interval वो 30 meter का interval है और आपके जो change point है वो fourth reading पे है और fourth reading पे है और seventh reading पे है. तो fourth reading आपकी उससे पहले जो आपकी first reading होगी वो आपकी back side reading होगी 0.565. सेकेंड आपकी इंटरमीडिएट साइड, थर्ड आपकी इंटरमीडिएट साइड एंड फोर्थ रीडिंग आपकी फर्स्ट पॉइंट के साथ वो आपकी फोर्थ साइड रीडिंग होगी. ये आपका चेनेज पॉइंट है. चेनेज पॉइंट के बाद जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे, जो फिफ्थ रीडिंग होगी वो आपकी बैक साइड रीडिंग होगी. सिक्स रीडिंग आपकी इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि सेवन्थ पॉइंट पर आपका चेनेज पॉइंट है. सो चेनेज पॉइंट से पहले जो रीडिंग होगी वो फोर्थ साइड रीडिंग होगी और चेनेज पॉइंट पे जो रीडिंग होगी वो बैक साइड और लास्ट रीडिंग जो होगी वो आपकी फोर्थ साइड रीडिंग होगी. ये काम आपका ये था कि आपने अपने जो वैल्यूज हैं उसको आपने लेवल बुक पे शिफ्ट कर लिया. अब आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से रिड्यूस लेवल फाइंड करने हैं. फर्स्ट रिड्यूस लेवल आपके पास गिवन है 15.575. तो फर्स्ट रिड्यूस लेवल से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं. Height of instrument is equal to reduced level plus backside reading. 15.575 plus 0.565 is equal to 16.14. This is your height of instrument. So height of instrument आ गया. Height of instrument से भी हम reduced level निकालते हैं. 16.14 minus 16.14 minus 1.250 is equal to 14.89. This is your reduced level as at station B. Now 16.14 minus 1.675 answer is 14.465. This is your reduced level in station C. So next is 16.14 minus 3.695 is equal to 12.44. This is your reduced level in station D. Now this this point is your change point. Change point आ गया तो आपको आपका इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज हो जाएगी. तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट जब चेंज होगी तो आपका जो रिड्यूस लेवल होगा उसमें हम प्लस करेंगे बैक साइड रीडिंग. 12.44 प्लस 0.125 is equal to 12.565. And so ये आपका इस चेनेज पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई. इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर हम इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो आपके पास रिड्यूस लेवल एट स्टेशन ई आएगा. ई आएगा तो इसके बाद फिर हम इसमें से इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये माइनस करेंगे तो आपके पास रिड्यूस लेवल एट स्टेशन एफ आएगा. और इधर आपके इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज होगी तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज होगी तो 12.065 प्लस 1.785 बैक साइड रीडिंग इसमें प्लस करेंगे तो 13.85 और 13.85 में से फोर्थ साइड रीडिंग माइनस करेंगे तो आपके पास लास्ट रिड्यूस लेवल एट स्टेशन जी आ जाएगा. ये आपका सेम प्रोसीजर था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का. इस प्रोसीजर में फिर हम इसका चेक लगा लेंगे. चेक कैसे लगाएंगे? सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर्थ साइड रीडिंग. सम ऑफ बैक साइड रीडिंग इन सबको प्लस किया और सम ऑफ फोर साइड रीडिंग्स इन सबको प्लस किया. इन दोनों को फिर माइनस किया तो माइनस 4.26 एंड रिड्यूस लेवल में लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल इनको किया तो इधर से आपके अपना चेक कंप्लीट किया. इसके बाद फिर हमने इसी को से हमने राइज एंड फॉल मेथड से किया. राइज एंड फॉल मेथड से बैक साइड रीडिंग में से हमने इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस की. अगर आपकी वैल्यू प्लस में आई तो हमने राइज में लिखी, माइनस में आई तो हमने फॉल में लिखी. ये आपकी माइनस में आई तो हमने ये रीडिंग्स अपनी सारी फॉल में लिखी और यहाँ पे आपकी
राइज में इतने हमने प्लस में लिखी, और इधर से फिर हमने फर्स्ट रिड्यूस लेवल में से जो फॉल में है उसको माइनस करते जाना, और जो आपकी प्लस में है उसको प्लस करके अपना रिड्यूस लेवल यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसके चेक करने हैं सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग्स, और फिर दूसरा जिसका जो चेक है वो सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, एंड लास्ट चेक जो है लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, और ये तीनों सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज also find the gradient between the first and last point and also draw the profile. अब आपने इसका gradient check करना, आपको उसने first बताया था कि आपके जो इन stations के दरमियान interval है वो 30 meter का interval है। अगर station A is your first point, that's mean कि आपका starting point है, ये इस इधर आपकी changes 0 meter है, और B point पे आपकी changes 30 meter, C पे 60, 90, 120 एंड 150 एंड 180, मीन ये आपके 30 meter के इंटरवल्स के साथ आपका ये क्वेश्चन आपने किया है। इसका जो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ रिड्यूस लेवल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो डिफरेंस ऑफ रिड्यूस लेवल जो आपके पास आया वो आया 4.26, तो 4.26 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ जो आपके पास इंटरवल्स के बाद आई है वो आई है 180। तो 4.26 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू जो आपके पास वैल्यू आई है वो आई है 1 in 42.25। जब हम 180 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो इंटरवल निकलेगा वो निकलेगा 1 in 42.25। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मीटर्स में इंटरवल्स हैं तो 42.25 के डिस्टेंस पे 1 meter के आपका ग्रेडियंट या 1 meter की आपकी स्लोप आई है। इसको भी हमने ग्राफ के जरिए शो करना है, ग्राफ प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल में आपने स्टेशन ए पे 0, 30, 60, 90, 120, 180 टोटल आपके ये इंटरवल्स के साथ आपने इधर एक वैल्यू कम है वो आपकी वैल्यू आपने इधर लिखनी है, वो यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 180 मीटर्स है। तो ये यहाँ से यहाँ पे वैल्यू मिस हो गया, सो यहाँ पे 150 आएगा और यहाँ पे 180 आएगा। तो जीरो पे आपका रिड्यूस लेवल आपके इधर से देख लिखना है, जीरो पे जो रिड्यूस लेवल है वो 15.575 है, वो जीरो पे 15.575, और 30 मीटर पे आपका 14.89, 30 मीटर पे 14.89, इसी तरह नेक्स्ट 60 मीटर पे 14.46, 60 मीटर पे 14.46, इसी तरह ये सारी वैल्यूज आपने वहां से देख के इसके रिड्यूस लेवल लिखने हैं, और रिड्यूस लेवल लिख के इसका एक ग्राफ बना लेना है। जैसे ये 15 है, फिर 14 है, फिर 14.46, फिर 12, फिर 10.22, इसी तरह आपकी ये एक प्रोफाइल बन जाएगी, और इसका जो ग्रेड होगा वो होगा 1 in 42.25। इट्स मीन के 42.25 इंटरवल के दरमियान आपका जो स्लोप आएगी वो 1 meter के मुताबिक आएगी, ये आपका ग्रेड होगा इस क्वेश्चन में। सो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे, इनसे रिलेटेड वो आपके कंप्लीट हो गए। अब आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट के क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं जैसे हमने क्लास में किए हैं, तो इसी चेंजिंग के साथ ये आपने वही अपने लेवल बुक पे लिखनी है, और फिर उसके रिड्यूस लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, और किसी की प्रोफाइल ड्रा करनी है। ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट विद डिटेल स्पेसिफिकेशंस, also discuss the classification of leveling with sketches। ये आपकी handmade assignment होगी, आपने इसको need sketches भी अपने pages पे draw करने हैं, और इस assignment की जो submission date है वो 29 है next week की, तो उससे पहले पहले आपने इसको submit करना है। और अब अगर आपको कोई question हो तो आप feel मुझे अपने मेरे email id पे contact कर सकते हैं, और उसके अलावा आपका question answer session होगा वो आपका आपको उसकी ईमेल जूम पे आईडी मीटिंग आईडी मिल जाएगी। बहुत जल्द। थैंक यू।